Okay, making sense of conversations. Whenever you are making conversation, you are communicating to other person how to make sense. Because if you are communicating without giving any sense, it will be impossible to communicate anything. In this strand, we will deal with a specific problem that people encounter when they engage in conversation. This problem is related to some of the features of spoken language described above. हमने ऊपर कौन सा है कि आपको ट्रांजिएंट होता है ऑन द स्पॉट, आपने बोलना होता है विदाउट थिंकिंग बोलना होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप ब्रेन स्टॉर्म कर सकें. तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वी हैव टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम्स. द प्रॉब्लम इज दैट क्वाइट ऑफन इन कन्वर्सेशन पीपल डू नॉट मीन वट दे से. इन द स्पोकन लैंग्वेज पीपल आर सेइंग समथिंग एल्स बट दे आर गोइंग टू सबमिट समथिंग एल्स. वो समझाना कुछ और चाहते हैं लेकिन कह कुछ और रहे हैं. डू नॉट मीन वर्ड दे से एंड पीपल डू नॉट से वर्ड दे मीन. इसकी जैसे कि हमने एक कॉमन सी एग्जाम्पल बेल वाली लास्ट टाइम आपसे मैंने बताया था. तो वर्ड मीन जो वो मीन कर रहे होते हैं वो कह नहीं रहे होते, जो वो कह रहे होते हैं वो उसका मतलब नहीं होता. ऑल्दो एज वी हैव सीन देर इज ऑल्सो अ सर्टन अमाउंट ऑफ एम्बिग्यूटी इन रिटन लैंग्वेज. वन अदर डिमेरिट ऑफ द रिटन लैंग्वेज इज एम्बिग्यूटी. दिस प्रॉब्लम इज मच मोर कॉमन इन स्पोकन लैंग्वेज ड्यू इन पार्ट टू इट्स इन एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नेचर. कहता कि अगर आप स्पोकन लैंग्वेज को उठा के लिख लें, अगर आप डायलॉग्स को उठा के लिखें तो उसमें एम्बिगिटी और बढ़ जाती है. उसमें क्यों बढ़ जाती है? इन एक्सप्लिसिट के वो टू द पॉइंट नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नेचर, उसका स्पेसिफिक जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो नहीं आ सकता उसमें. एंड सो द प्रॉब्लम इज इफ पीपल डू नॉट से वट दे मीन और मीन वट दे से, हाउ आर वी एबल टू मेक सेंस ऑफ वट दे से एंड सक्सेसफुल एंगेज इन कन्वर्सेशन विद देम. ऊपर हमने दो चीजें पढ़ी थी, पीपल डिलीवर विदाउट सेइंग, पीपल से विदाउट डिलीवरिंग. तो वो कुछ लोग कहते हैं बगैर डिलीवर किए, कुछ लोग डिलीवर करते हैं लेकिन कहे बगैर. तो ये दोनों जो क्वालिटीज हैं इनके होते हुए हाउ यू कैन सक्सेसफुली इंगेज, हाउ यू कैन सक्सेसफुली अंडरस्टैंड अ कन्वर्सेशन. दिस प्रॉब्लम इज एग्जैपरेटेड बाई द फैक्ट दैट वी हैव टू मेक डिसीजन अबाउट वट वी थिंक पीपल मीन रैदर क्विकली इन कन्वर्सेशंस इन ऑर्डर फॉर द कन्वर्सेशंस टू प्रोसीड स्मूथली. कि कन्वर्सेशन के दौरान हमें ज्यादा फोकस इस पर रखना पड़ता है कि क्या जो है होने जा रहा है, क्या हो रहा है, फौरी तौर पे उस पर फुल माइंड फुल फोकस रखते हुए हम अंडरस्टैंड करेंगे. फर्ज करें मैं अभी एक बात बोलता हूँ और आप में से किसी की तवज्जो उस तरफ नहीं होती, क्या ये पॉसिबल है कि उस बात को समझ ले जबकि उसकी तवज्जो उस तरफ नहीं है? तो ये मुश्किल होता है. इसलिए जब भी स्पोकन कम्युनिकेशन होता है यू हैव टू इंगेज योर सेल्फ कम्प्लीटली, इंटायर योर सेल्फ, इंटायर माइंड ऑफ योर सेल्फ विल बी इंगेज विद द कन्वर्सेशन टू प्रोसीड स्मूथली. मोहम्मद शहबाज यू आर टू मच लेट. खैरी थी बेटा, बहुत लेट हो गए आप. जी जुबैर बेटे आपने भी हैंड रेस किया हुआ, कोई सवाल था आपका तो बता दें. सर मी अमानुल्ला, एक सवाल है, पूछ लो। सर जी जी मान लो. यहाँ लिखा हुआ है कि रिटन जो है ना एम्बिगियस होती है। एम्बिगियस रिटन कैसे हो सकती है? वो तो अगर उसको मतलब जैसे नॉवेल्स होते हैं सर, दे आर नॉट एम्बिगियस बिकॉज दे रन विद द कॉन्टेक्स्ट, तो वो एम्बिगियस कैसे हो सकता है? यानी कि इसका मतलब ये होगा कि कहीं से पार्ट निकाल लें तो एम्बिगियस कहेंगे उसको। जी इसका मतलब यही है, कम्युनिकेशन, अगर मैं ओरल कम्युनिकेशन की बात करूं, स्पोकन कम्युनिकेशन की बात करूं, मैं आप कुछ बोलता हूं आप कहते हैं ये अनक्लियर है, एम्बिगिटी है इसके अंदर, लेकिन जैसे ही उसका कॉन्टेक्स्ट आता है वो एम्बिगिटी क्लियर हो जाती है. जैसे स्पोकन के अंदर एम्बिगिटी क्लियर होती है कब? जब कॉन्टेक्स्ट आता है. इस तरह रिटन के अंदर जब तक कॉन्टेक्स्ट ना हो उसमें एम्बिगिटी रहती है.
इसमें आप जो है ना किसी भी जो ड्रामाज आपने पढ़े हुए हैं उसमें से किसी एक का कॉन्टेक्स्ट उठाएं, आप एक सिर्फ दो पर्सन्स का एक डायलॉग पढ़ लें, जब तक आपको उसका बिफोर और आफ्टर वाला पोर्शन नहीं पता होगा उसमें एम्बिग्यूटी रहेगी। वन थिंग इज दैट, सेकेंड थिंग कि मैं लाइन के अंदर पढ़ता हूँ, दे टॉकिंग बाय स्टैंडिंग ओवर द बैंक या नियर द बैंक। अब नियर द बैंक के अंदर बैंक क्या मतलब देगा, बिल्डिंग वाला देगा या जो है ये कोई भी दे नहर के सकता है, किनारे वाला बहुत देगा। बहुत बहुत दे सकता जी है, कोई जी भी दे सकता। तो इस यही वाली एम्बिगिटी इसमें जिक्र हो रही है, जो अगर कॉन्टेक्स्ट को हम सही तरह समझें तो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कॉन्टेक्स्ट को 100% आप अंडरस्टैंड करें इसके बावजूद समझ ना नहीं आता। इसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अलिफ लाम मीम, कुरान के ये तीन अल्फाज हैं, इनमें मैं ये तो नहीं कहूँगा एम्बिगिटी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा राज है जो हम नहीं समझ सकते जब तक हमें उसका कॉन्टेक्स्ट ना पता हो। जैसे इसका कॉन्टेक्स्ट पता होगा हमें इसका राज जो है, इसकी हकीकत जो है वो समझ आ जाएगी। इस तरह बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्स्ट में आप पढ़ते हैं लेकिन ऑन द स्पॉट आपको समझ नहीं आती, किस वजह से कि उनका कॉन्टेक्स्ट जो टेक्स्ट के अंदर दिया होता है सिर्फ उससे वो समझ नहीं आ सकती जब तक उसको रियल सेंस से हम अटैच ना करें। थैंक यू सर, क्लियर। तो वो कह रहा है कि एम्बिग्यूटी दोनों में होती है, रिटन में भी हो सकती है और स्पोकन में भी हो सकती है। तो क्योंकि जो हमारा होता है ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन कम्युनिकेशन, इसमें जो बात एक दफा हम बोल देते हैं उसके बाद फौरन बाद जो बात चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ पार्टिसिपेंट्स इन कन्वर्सेशन डील विद दिस प्रॉब्लम, वी विल बी ड्रॉइंग ऑन टू डिफरेंट एनालिटिकल ट्रेडिशंस, वन विद इट्स रूट्स इन फिलोसफी एंड द अदर विद इट्स रूट्स इन सोसाइटी सोशियोलॉजी। सो वो कह रहा है कि जब भी इस एम्बिगिटी का प्रॉब्लम होता है स्पोकन में, क्योंकि अभी हम स्पोकन की बात कर रहे हैं, स्पोकन डिस्कोर्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर टू वेज हैं एनालिसिस के, टू वेज हैं अंडरस्टैंडिंग के। वन इज फिलोसफिकल रूट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिलोसफिकल रूट्स ऑफ दैट कन्वर्सेशन। सेकेंड इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनालिटिक सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड, सोशियोलॉजिकल रूट्स ऑफ दैट कन्वर्सेशन। दीज टू ट्रेडिशंस आर कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स एंड कन्वर्सेशन एनालिसिस। इन दोनों को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम डिस्कोर्स की एक जो सब ब्रांच है जिसको प्रैग्मेटिक्स या कन्वर्सेशन एनालिसिस कहते हैं उसके अंदर हम चले जाते हैं। मैं देख लूँ आप सब लोग क्लास में अवेलेबल हैं। जी सर, जी सर, यस सर, शुमाइला सर, दिलशाद, जहाँ पे मैंने अभी छोड़ा इससे आगे आप पढ़ेंगे स्लाइड से, शुमाइला दिलशाद जहां पे मैंने अभी स्टॉप किया उससे नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। जी शुमाइला बेटे जी, यस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ पार्टिसिपेंट इन कन्वर्सेशन डील विद दिस प्रॉब्लम, ओके गुड, वी ओके विल गुड, बी ड्राइंग ऑन टू डिफरेंट एनालिटिकल ट्रेडिशनल, वन ये तो मैं पढ़ विद चुका था इट्स बेटा। रूट। ओके शुमाइला, ओके शुमाइला गुड, लेकिन थोड़े अटेंटिव होके बैठेंगे नेक्स्ट टाइम। यस सर, बुशरा इकबाल, बुशरा इकबाल, यस सर, जी बेटा कहाँ तक मैंने पढ़ लिया उससे अगली लाइन आपने पढ़नी है अभी स्लाइड से। ओके। प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज वर्ड्स टू अकम्पलिश वेरी गुड, वेरी गुड, बुशरा यू आर एक्शन। अटेंटिव, ओके बस यही चेक करना था। तो बेटे आप अटेंटिव होकर बैठा करें ताकि जैसे ही मैं कोई सॉल्व करूँ या कन्वर्सेशन हो रही हो तो आपको वो जहन में रहे, तो जो पढ़ा जा रहा है उस पर नज़र रखा करें। साथ में अगर नोट टेकिंग के लिए आपके पास कॉपी पेंसिल पड़ी है तो स्लाइड नंबर इस बार नज़र नहीं आ रहे, मैं वैसे ट्राई करता हूँ कि स्लाइड नंबर साथ नज़र आता रहे। ओके
Yes, pragmatics is the study of how people use words to accomplish actions in their conversations. तो अब सब ब्रांच जो हमने किसकी पढ़ी डिस्कोर्स एनालिसिस की वो क्या थी प्रैग्मेटिक्स. तो प्रैग्मेटिक्स क्या है इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज वर्ड्स टू अकम्प्लिश एक्शंस इन देयर कन्वर्सेशंस. किसी भी एक्शन यानी प्रैग्मेटिक के तहत हम देखते हैं किस एक्शन को पूरा करने के लिए कन्वर्सेशन टेक प्लेस हुई. वो एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं. एक्शंस लाइक रिक्वेस्टिंग थ्रेटनिंग एंड अपोलोजाइजिंग. It aims to help us understand how people figure out what actions other people are trying to take with their words and respond appropriately. So, इसमें ये होता है कि आप जब रिक्वेस्ट थ्रेटनिंग अपोलोजाइजिंग को अंडरस्टैंड करते हैं. ये तीन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं लाइक के जरिए, इसके अलावा भी बहुत से होते हैं. It aims to help us understand how people figure out what actions other people are trying to take with their words. एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. हम दूसरों के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो वर्ड्स के जरिए क्या एक्शन वो परफॉर्म करना चाहते हैं, हम पर उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करते हैं. इट हैज इट्स रूट्स प्रीमियरली इन द वर्क ऑफ थ्री फिलोसफर्स ऑफ लैंग्वेज जॉन ऑस्टन जॉन सरले एंड H.P. ग्राइस. तो यहाँ पे तीन यानी इसके अंदर प्रैग्मेटिक एनालिसिस की तरफ जब भी हम जाएंगे तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस में थ्री थीरीज थ्री मॉडल्स हैं हमारे पास. पहला मॉडल जो दिया है वो जॉन ऑस्टन ने दिया है, सेकंड जो है सिल्ले ने दिया है, थर्ड जो है H.P. ग्राइस ने दिया है. तो तीन मॉडल्स हैं हमारे पास किस चीज़ के, किसी भी स्पोकन या कन्वर्सेशन को एनालाइज करने के लिए. कन्वर्सेशन एनालिसिस ऑन द अदर हैंड कम्स आउट ऑफ अ ट्रेडिशन इन सोसाइटी सोशियोलॉजी कॉल्ड एथनोमेथडोलॉजी. तो जब हम कन्वर्सेशन एनालिसिस करते हैं प्रैग्मेटिक के जरिए तो उसके अंदर सेकंड जो इम्पैक्ट आता है, सेकंड जो चीज़ आती है वो सोशियोलॉजी आती है. सोशियोलॉजी जो है एथनोमेथडोलॉजी के जरिए हम इसे कॉल करते हैं, कि इसे कहते हैं एथनोमेथडोलॉजी है. विच फोकसेस ऑन द methods ordinary members of a society use to interact with one another and repeat their experience. तो जो सोशियोलॉजी के जरिए हम एथनोमेथोडोलॉजी के जरिए जो चीज़ समझते हैं वो क्या होती है, वो होती है कि जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एक सोसाइटी में, सोसाइटी के ऑर्डिनरी मेंबर जो एक दूसरे से जब भी इंटरेक्ट करते हैं, जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें वो डिफरेंट एक्सपीरियंस को किस तरीके से बयान करते हैं. वेन एवर दे आर एक्सप्रेसिंग देयर एक्सपीरियंस बाय देयर वर्ड्स, हाउ दे आर यूजिंग वर्ड्स. इट वाज डिलीवर्ड बाय थ्री सोशियोलॉजिस्ट, हार्वे सैक्स ने ये दिया, उसके बाद एमनोल सेकलॉफ ने दिया, गेल जेफरसन ने दिया, एंड स्टडीज द प्रोसीजरल रूल्स दैट पीपल यूज टू को operatively manage conversations and make sense of what is going on. जैसे पहले pragmatics की theory किन तीन लोगों ने दी थी बताएंगे आप में से कोई? सर ऑस्टन सर जुबैर खान एंड ग्राइस. यस ये तीन लोग थे. तो जैसे वहाँ तीन लोग हैं इसी तरह यहाँ पे जो हैं जो एथनोमेथडोलॉजी के जरिए किसी भी डिस्कोर्स को एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी डिस्कोर्स के लिए रूल्स बना रहे हैं एथनोमेथडोलॉजी या सोशियोलॉजी के लेवल पे, तो वो कितने लोग हैं हमारे पास सामने यहाँ पे. सबसे पहले हैं हार्वे सैक्स, सेकंड है एमनुअल स्केलॉफ एंड थर्ड है गेल जेफरसन. तीन लोग यहाँ पे हमारे पास. तो ये नाम याद रखिएगा कि जब भी प्रैग्मेटिक्स एनालिसिस होता है उसमें वो तीन लोग आ रहे हैं, जब भी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस या फिर एथनोमेथोडोलॉजी का एनालिसिस हो रहा है तो उसमें ये तीन लोग आ रहे हैं. बिकॉज दीज टू एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स कम आउट ऑफ सच डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस. जो ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क हैं, कौन कौन से थे एनालिटिकल फ्रेमवर्क जिससे मैं पूछूंगा प्लीज वो बताएगा. एक मिनट माइक अनम्यूट नहीं करेंगे. जाम शकूर, जी सर,
कौन कौन से दो फ्रेमवर्क थे एनालिटिकल के स्पोकन लैंग्वेज को? एनालिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द डेटा हाँ इंटेलेक्चुअल जी, स्पोकन लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं? सॉरी सर बेटा अटेंटिव रहा करें प्लीज। अनायतुल्ला, जी अनायतुल्ला आप बताएंगे प्लीज। यस सर हाँ जी, कौन से हेलो दो फ्रेमवर्क थे जो अभी हमने पढ़े हैं स्पोकन लैंग्वेज के डिस्कोर्स के लिए? प्रैग्मेटिक्स के अलावा हवाले से प्लस सर अभी हाँ जी, और दूसरा कौन सा था? वेरी गुड। दूसरा सर सॉरी सर याद नहीं है दूसरा ओके बेटा, रिफत गफारी सर सेकंड वन इज जी बेटा आप कन्वर्सेशनल बताएंगे। एनालिसिस यस, कन्वर्सेशनल एनालिसिस एनालिसिस। लेकिन कन्वर्सेशन तो वही हो गया ना, स्पोकन में जितना भी आ रहा है कन्वर्सेशन है। एक उसमें था जो प्रैग्मेटिक्स, सेकंड कौन सा था? सर सेकंड मोहम्मद आदिल, प्लीज यू हैव टू टेल। सर प्रैग्मेटिक्स और कन्वर्सेशनल एनालिसिस था सर। नहीं, मैं फिर पिछली स्लाइड पे जा रहा हूँ। सर मे आई ये यस सर एथिकल मेथडोलॉजी यस सेकंड जो था कन्वर्सेशन एनालिसिस के लिए, पहला जो है वो है प्रैग्मेटिक्स, और दूसरा जो कन्वर्सेशन एनालिसिस के लिए है, बल्कि नहीं आप ठीक कह रहे थे, दे आर टू ट्रेडिशंस आर कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स एंड कन्वर्सेशन एनालिसिस। ओके, जिन्होंने कन्वर्सेशन एनालिसिस कहा है वो ठीक है। थैंक ठीक है, यू सर। एक प्रैग्मेटिक्स था और दूसरा कन्वर्सेशन एनालिसिस था। तो कन्वर्सेशन एनालिसिस में जो होता है वो क्या चीज चेक होती है? मैंने पूछने दो लेवल्स थे, ठीक है, टू लेवल्स में जो था, एक था कन्वर्सेशन और दूसरा जो था सोशियोलॉजी। यस, यानी एक सोशियोलॉजी के लेवल पे अंडरस्टैंड होता है, दूसरा कौन सा लेवल था मुझे भी नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, एक फिलॉसफी के लेवल पे, दूसरा सोशियोलॉजी के लेवल पे। ठीक है, एक फिलॉसफी के लेवल पे था, एक सोशियोलॉजी के लेवल पे था। जो फिलॉसफी के लेवल पे है वो प्रैग्मेटिक्स, जो सोशियोलॉजी के लेवल पे है वो कन्वर्सेशन एनालिसिस, जिसको सोशियोलॉजी या फिर एथनोमेथोडोलॉजी कहते हैं। बिकॉज दीज टू एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स कम आउट ऑफ सच डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, दे अप्रोच द प्रॉब्लम वी डिस्कस्ड अबव इन टू वेरी डिफरेंट वेज। मीन्स वी कैन एनालाइज टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, वी कैन जस्टिफाई टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाई यूजिंग दीज टेक्निक्स। विद इट्स रूट्स इन फिलोसफी, प्रैग्मेटिक्स टेंड्स टू अप्रोच द प्रॉब्लम एज अ मैटर ऑफ लॉजिक। अब मैंने क्या कहा था, जब हम फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, रूट्स ऑफ फिलॉसफी को, तो हम प्रैग्मेटिक एनालिसिस करेंगे। तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस के अंदर द प्रॉब्लम एज अ मैटर ऑफ लॉजिक, हम देखते हैं कि लॉजिक के लिहाज से ये मैटर क्या है। आस्किंग व्हाट कंडीशंस नीड टू बी पर्सन प्रेजेंट फॉर अ पर्टिकुलर फॉर पार्टिसिपेंट्स इन अ कन्वर्सेशन टू लॉजिकली कंक्लूड दैट अ गिवन अट्रेंस हैज अ सर्टन मीनिंग। How you can understand from a specific communication, this communication having only this meaning, no any other meaning is given in this conversation. How you can understand? You can understand by the logic, and logic will, how you can understand this thing by the logic, it will told you by the pragmatics.
विद इट्स रूट्स इन सोशियोलॉजी कन्वर्सेशनल कन्वर्सेशन एनालिसिस, और जो दूसरे इसके रूट्स हैं जो सोशियोलॉजी में जाते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं किसके जरिए, कन्वर्सेशन एनालिसिस के जरिए, यानी जिसको हमने फिलोसफिकल एनालिसिस करना तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस करेंगे, रूट्स इन फिलोसफी देखने के लिए, रूट्स इन सोशियोलॉजी देखने के लिए कन्वर्सेशन एनालिसिस करेंगे. अप्रोचेस द प्रॉब्लम नॉट एज वन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक बट एज वन ऑफ लोकली कॉन्टिंगेंट एक्शन. तो इसके अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कम्युनिटी का बिहेवियर इसके बारे में क्या है, जिस तरह की ये कम्युनिकेशन हो रही है इस तरह की कम्युनिकेशन इस कम्युनिटी में जब भी टेक प्लेस करती है उसका क्या मीनिंग होता है. कि पाकिस्तान के अंदर जब ये वर्ड बोला जाता है उसका मीनिंग और बनता है, जब ऐसा ही वर्ड इंडिया में बोला जाए वहां उसका मीनिंग और बनता है. तो ये क्या है उसको लोकल लेवल पे हम देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव पीपल मेक सेंस ऑफ व्हाट अदर पीपल से नॉट बाय फिगरिंग इट आउट लॉजिकली बट बाय पेइंग अटेंशन टू द लोकल कंडीशंस ऑफ द कन्वर्सेशन इटसेल्फ स्पेशली द सीक्वेंस ऑफ अटरेंसेस. तो जब भी हम रूट्स ऑफ सोशियोलॉजी की बात करेंगे उसके अंदर क्या आएगा, लोकल कंडीशंस आएगा, लोकल कंडीशंस के तहत उसका क्या मीनिंग बन रहा है. अंडरस्टूड सर? मतलब प्रैग्मेटिक्स जो है सर वो ओवरऑल मीनिंग को कवर करेगा? नहीं, प्रैग्मेटिक के अंदर जो है फिलोसफिकल रूट्स देखना है. यानी मैंने अभी आपसे कहा कि फैन बंद कर दो, तो इसका फिलोसफिकल रूट ये है कि ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है. okay, या मैं कहता हूँ कि पेपर उड़ रहे हैं, मैं फैन बंद करने का नहीं कहता, मैं कहता हूँ पेपर उड़ रहे हैं. तो फिलोसफिकल रूट यही है कि उसका उससे जो फलसफा आता है वो ये आता है कि पेपर उड़ रहे हैं क्योंकि पंखा चल रहा है, मैं पंखा बंद कर दूँ पेपर उड़ना बंद हो जाएंगे. तो इसकी फिलोसफिकल रूट्स है जिसको हम प्रैग्मेटिक्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं. कि मैंने कहा तो ये है पेपर उड़ रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फैन बंद कर दें या विंडो बंद कर दें, यहाँ से हवा आ रही है. तो ये सिचुएशन बताएगी कि मैंने फैन बंद करने का कहा या फिर विंडो बंद करने का. तो जब हम इसको दूसरे में कन्वर्सेशन में ले जाएंगे तो स्पेसिफिक कन्वर्सेशन में पेपर उड़ रहे हैं, इसका शायद किसी ऑफिस के अंदर कोई स्पेसिफिक मीनिंग भी हो किसी उसी एरिया के लोकल अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो वो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा रूट, रूट इन द सोशियोलॉजी. स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, कन्वर्सेशंस हैपन व्हेन मल्टीपल एक्शंस आर पुट टुगेदर टू फॉर्म एक्टिविटीज. वी चैट, वी डिबेट, वी फ्लर्ट, वी काउंसल, वी गॉसिप, वी commiserate and we do many other things in our conversations. The conversation के अंदर अब strategic interaction, strategy का क्या interaction होता है जब आप communication करते हैं. तो जब भी communication करते हैं we chat, we debate, we flirt, we counsel, we gossip, we commiserate and we do many other things in our conversations. तो ये तमाम के हैं स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं. डिबेट की एक और स्ट्रेटजी है, चैट की और है, फ्लर्ट की और है, काउंसल की और है, गॉसिप की और है, कमिस्ट्रेट की और है. एट द सेम टाइम वी यूज कन्वर्सेशंस टू शो दैट वी आर सर्टन काइंड्स ऑफ पीपल एंड टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सर्टन काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप विद द पीपल विद होम वी आर टॉकिंग. तो इसके अंदर एक और चीज़ भी आती है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर, स्ट्रेटेजिक इंट्रैक्शन के अलावा भी, कि जिस पर्सन से बात कर रहे हैं हमारी बात बताती है व्हाट इज द रिलेशन विद मी एंड माय लिसनर. वी डू नॉट हाउएवर इंगेज इन दीज एक्टिविटीज एंड कंस्ट्रक्ट दीज आइडेंटिटीज एंड रिलेशनशिप ऑल बाय आवर सेल्फ. तो मैं अगर कहूँ कि मैं जब भी बात करता हूँ अपने स्टूडेंट से तो इस तरीके से करता हूँ और देखने वाला समझ जाता है मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, क्या वो सारा मैंने खुद डिवेलप किया, मैंने खुद एस्टेब्लिश किया या मैंने खुद मेंटेन किया? नहीं, वो सोसाइटी में जब भी इस तरीके से बात की जाती है तो ये बात स्टूडेंट से की जाती है. तो ये क्या है, एक
उसे कह लें सोशियोलॉजी के तहत हम इसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी है, जब भी इस तरीके से मैं बात करूंगा ये स्ट्रेटजी यूज करते हुए बात करूंगा, तो ये मैं अपने से बड़ों से बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ, अपने कोलीग से कर रहा हूँ। वी आर यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज एट डिफरेंट लेवल्स, वी डू नॉट हाउएवर इंगेज इन दीज एक्टिविटीज एंड कॉन्स्ट्रक्ट दीज आइडेंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स ऑल बाय आवर सेल्व्स। वी आर नॉट having any capacity to develop these all things. We are developing these all things according to the requirements of the society. We must always negotiate what we are doing and how we are being. Negotiate हमें दो चीज़ों पर करना पड़ता है, what we are doing, एक इस पर कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा how we are doing, हम कैसे कर रहे हैं, with the people with whom we are interacting. कि एक तो पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, और दूसरा आप उस पर्पस को कैसे फुलफिल कर रहे हैं, ये दो चीज़ें ऑलवेज विल बी देयर। वी कॉल द मेथड्स वी यूज टू इंगेज इन दीज नेगोशिएशंस कन्वर्सेशनल स्ट्रेटजीज। ये जो हम मेथड्स जिनके जरिए हम इन निगोशिएशन में, यानी कोई बात करते हो हम निगोशिएट कर जाते हैं, तो उसमें जो चीज़ें हम कर रहे हैं इनको क्या कहते हैं, कन्वर्सेशनल स्ट्रेटजीज। यानी आज के लेक्चर में हम ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से तीसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, पहली हमने पढ़ी थी फिलोसफिकल रूट्स, सेकंड हमने पढ़ी थी फिलोसफिकल रूट्स को लॉजिकल रूट्स भी कह सकते हैं आप, जिसे प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, दूसरा हमने पढ़ा था सोशियोलॉजिकल रूट्स जिन्हें हम कन्वर्सेशनल एनालिसिस कहते हैं, तीसरा हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटजिक इंट्रैक्शन। तो स्ट्रेटजिक इंट्रैक्शन में क्या होता है, इन तीनों को अगर आप एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए बाउंड्री लाइन्स फिक्स करना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है। एक ही एग्जाम्पल के अंदर तीनों अवेलेबल होती हैं, तकरीबन हर एग्जाम्पल के अंदर तीनों अवेलेबल होती हैं। कोई एक आप सेंटेंस उठाएं, कोई एक आप कन्वर्सेशन उठाएं, उनको इन तीनों लेवल पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिकल्स हम करेंगे, अल्लाह करेगा आपकी जो फिजिकल क्लासेस हो जाएं उसमें ईजी हो जाएगा, अगर ऑनलाइन हुई करेंगे तो फिर भी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। उसमें होगा ये कि हम कोई एक ड्रामा उठा लेंगे शेक्सपियर का, जिसके अंदर डायलॉग्स होंगे, उन डायलॉग्स को हम इन तीनों लेवल पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके पोर्शन मैं दे दूंगा, एक एक पेज सबने एनालाइज करना है, फिर उसके एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च के अंदर जब आप इस किस्म का एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, डेटा कैसे आपने लेना है रिसर्च के अंदर इस किस्म का, उस डेटे को एनालाइज कैसे करना है, उस एनालिसिस की आउटपुट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो तमाम चीज़ें इसके अंदर आएंगे इंशाल्लाह। अगर फिजिकल हुई तो बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, अगर ऑनलाइन हुई तो फिर ट्राई तो करेंगे अच्छे तरीके से करने। शोइंग हु वी आर फेस स्ट्रेटजीज। अब हमने इसमें क्या पढ़ा था, हु वी आर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ टॉकिंग। अब यहाँ पे हु वी आर जो है इसे फेस स्ट्रेटजीज कहते हैं। आमतौर पर आपने शायद पढ़ा हो लिंग्विस्टिक के अंदर फेस सेविंग एंड फेस डिस्ट्रॉइंग, पढ़ा हुआ है, याद है किसी को? और जो फेस थ्रेटनिंग है उसमें उसकी ही थ्रेट्स द सेल्फ ऑफ द अदर पर्सन। यस गुड। कि अगर आप दूसरे की सेल्फ एस्टीम को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम को आप मलहूज़े खाते रखते हैं, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, तो क्या होता है, फेस सेविंग। और अगर आप कर रहे हैं उसकी सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ये फेस थ्रेटनिंग इसे कहते हैं। इट इज़ अ फैक्ट दैट आवर आइडेंटिटीज आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड इन रिलेशन टू द पीपल विद होम वी आर इंटरेक्टिंग। सम पीपल आर आवर फ्रेंड्स एंड अदर्स आर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। Sometime we are communicating with our friends, sometime we are communicating with the strangers. So when we are communicating with the friends, our way of talking will be different. Whenever we are talking to the strangers, our way of communication will be different. In the both, we are using some strategies of the conversation, but we are using face strategies. Some people are our superiors and others are our subordinates. When we talk along with conveying information about the topic about which we are talking, we always convey information about how close to or distant from the people with whom we are talking we think we are.
हमारे माइंड में ये बना होता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे मेरा रिलेशन कितना दूर का है, कितना नज़दीक का है, और उसको मैं शो कर रहा हूँ तो अपने डायलॉग्स में, अपनी कन्वर्सेशन में, अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर वी आर सोशल इक्वल्स और वेदर वन हैज़ मोर पावर देन द अदर। इसमें यह भी हो सकता है कि हम सोसाइटी के लिहाज से इक्वल हैं या एक के अंदर ज़्यादा पावर है दूसरे के लिहाज से। द स्ट्रेटजीज वी यूज टू डू दिस आर कॉल्ड फेस स्ट्रेटजीज। इसके अंदर जो ये हम यूज़ करते हैं कि दूसरे को हमने अपना इक्वल शो करना है, अपना सबऑर्डिनेट शो करना है, अपने से सुपीरियर शो करना है, या अपना जो है फ्रेंड शो करना है, ये जो स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं इनको फेस स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। द कंसेप्ट ऑफ फेस इन इट्स मोर एवरीडे सेंस विल बी फेमिलियर टू मैनी रीडर्स। फेस का एक मतलब तो आप जानते हैं क्या मतलब होता है, चेहरा जिसे हम कहते हैं। तो वो कहता है कि जो रीडर्स पढ़ते रहते हैं उनको पता होगा फेस का एक और सेंस भी बनता होता है। द टर्म इज ऑफन यूज टू डिनोट अ पर्सन ऑनर और रिप्यूटेशन। किसी भी पर्सन की ऑनर एंड रिप्यूटेशन और हिज सेल्फ एस्टीम विल बी इंक्लूडेड इन हिज फेस। मैनी कल्चर्स हैव द नोशन ऑफ गिविंग पीपल फेस, हेल्पिंग देम टू मेंटेन अ सेंस ऑफ डिग्निटी और ऑनर। जब आप किसी को फेस दे रहे होते हैं, किसी का फेस आप देख रहे होते हैं, जिसे फेस सेविंग कहते हैं, तो आप क्या कह रहे होते हैं, मेंटेन अ सेंस ऑफ डिग्निटी और ऑनर। यू आर मेंटेनिंग देयर डिग्निटी, यू आर मेंटेनिंग देयर ऑनर इन योर कन्वर्सेशन, एंड ऑफ लूजिंग फेस व्हेन पीपल फॉर सम रीजन और ऑफ अनदर सफर अ लॉस ऑफ डिग्निटी और ऑनर। तो फेस लूजिंग क्या है, जब उनकी डिग्निटी या ऑनर जो है किसी वजह से उनकी कम्युनिकेशन में शो ना हो रही हो। द डेफिनेशन ऑफ फेस वी विल बी यूजिंग हियर व्हाइल नॉट फार फ्रॉम द मोर एवरीडे मीनिंग इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द वर्क ऑफ गॉफमैन एंड अदर सोशल साइंटिस्ट। यानी जो फेस का मीनिंग यहाँ पे ले रहे हैं, दिस डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड, दिस डेफिनेशन इज इंट्रोड्यूस बाय द गॉफमैन। वी डिफाइन फेस एज द negotiated public image mutually granted to each other by participants in a communicative event. इसको एक दो बार पढ़ लें, एक दो दफा, ये थोड़ी देर के बाद मैंने आपसे सुननी है ये वाली डेफिनेशन, कि फेस की डेफिनेशन गॉफमैन ने क्या की थी। द negotiated public image mutually granted to each other by participants in a communicative event. इसको एक दो दफा पढ़ें। जी आप लोगों ने मेरा ख्याल पढ़ लिया होगा, मैं पूछ लूं किसी से इसकी डेफिनेशन। जी शाह नवाज, प्लीज यू हैव टू टेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेस अकॉर्डिंग टू गॉफमैन। यस मिस्टर शाह नवाज। Second is Hira Yusuf. Yes, sir. Yes. What is the definition of face according to Goffman? Sir, जो आपने बताई है उसी को रिपीट करना है। जी जो अभी मैंने कहा था ये वाली आप एक दो बार पढ़ लें ताकि आपके जहन में रहे वो वाली। मीन्स उसको एक्सप्लेन करना या वैसे ही बताना है जैसे स्लाइड में है। अपनी वर्डिंग में बता दो, अपनी वर्डिंग में बता दो।
जी बेटे बता रहे हैं, भूल गए हैं। सर वो स्लाइड एक बार आप ओपन कर दो। चलें ठीक है जी। अमान खान, आपने हैंड रेज किया था इस सवाल के बाद, मेरा ख्याल बताना चाह रहे हैं। सर नेगोशिएटेड पब्लिक इमेज म्यूचुअली गिवन टू ईच अदर बाय द पार्टिसिपेंट्स इन अ कम्युनिकेटिव इवेंट और समथिंग लाइक दैट था। ओके गुड अमान खान, बहुत अच्छा। कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन करते हुए आपके कम्युनिकेशन में जो एक दूसरे का इमेज शो हो रहा होता है, वो इमेज क्या कहलाता है? फेस। गुड। बस इसके बाद एक दो स्लाइड और पढ़ते हैं तो उसके बाद हम इसे वाइंड अप करेंगे। तो देर आर बेसिकली टू ब्रॉड काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज वी यूज टू नेगोशिएट अवर आइडेंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स इन इंटरेक्शन। हाउ वी कैन एक्सप्रेस अवर आइडेंटिटी और रिलेशनशिप इन एन इंटरेक्शन, देर आर टू स्ट्रेटजीज टू रिप्रेजेंट टू एक्सप्रेस योर आइडेंटिटी। द फर्स्ट वी विल कॉल इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटजीज। द फर्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटजीज। दे आर स्ट्रेटजीज we use to establish or maintain closeness. कि अगर आप closeness को maintain करने के लिए Yes, sorry for interruption. There was some internet issue. There are basically two broad kinds of strategies we use to negotiate our identities and relationship in interaction. The first we will call involvement. पहली जो ऐसे कहते हैं involvement strategies. They are strategies we use to establish or maintain closeness with the people with whom we are interacting to show them that we consider them our friends. तो पहला क्या है क्लोजलीनेस, कि आप उनके किस कदर क्लोजनेस के थ्रू आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इंक्लूड थिंग्स लाइक कॉलिंग पीपल बाय देयर फर्स्ट नेम्स और यूजिंग निक नेम्स। अगर आप उनको फर्स्ट नेम से बुला रहे हैं तो ये आप जो है उससे आपकी क्लोजनेस काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आप निक नेम से बुला रहे हैं तो ये क्लोजनेस जो है फर्स्ट नेम के बजाय उससे भी वन स्टेप ज्यादा आप उसके क्लोज हैं। यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज शोइंग interest in someone by for example asking personal questions and emphasizing our common experience or points of view. अगर आप किसी के साथ communication कर रहे हैं या communication करते हुए you are asking some personal question or you are emphasizing on the common experiences or point of views, while such strategies can be used to show friendliness as we will see in the next section, they can also be used to assert power and our people. तो ये स्ट्रेटजी ये फेस सेविंग या फेस थ्रेटिंग की हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं किसके लिए? फ्रेंडलीनेस के लिए या फिर दूसरों को थ्रेट करने के लिए और अपनी पावर शो करने के लिए। टीचर्स फॉर एग्जांपल ऑफन यूज सच स्ट्रेटजीज व्हेन इंटरेक्टिंग विद यंग स्टूडेंट्स एंड बॉसेस, सम टाइम्स यूज देम व्हेन इंटरेक्टिंग विद देयर एम्प्लॉयज। तो ये स्ट्रेटजी वहां पे यूज होती है। ये कौन सी स्ट्रेटजी का नाम क्या था? इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटजी। यानी टू स्ट्रेटजीज हैं, पहली स्ट्रेटजी कौन सी है निगोशिएशन की, फेस की पहली स्ट्रेटजी जो है इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटजी। द सेकेंड क्लास ऑफ द फेस स्ट्रेटजीज इज नाउन एज इंडिपेंडेंस स्ट्रेटजीज। हाँ जी, पिछली स्ट्रेटजी जो अभी पढ़ी थी उसका नाम बताएगा कोई? सर इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटजी। ये तो पहली जो है वो इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटजीज हैं और सेकेंड जो है इंडिपेंडेंस स्ट्रेटजीज हैं।
These are strategies we use to establish or maintain distance from the people with whom we are interacting, either because we are not their friends or more commonly because we wish to show them respect by not imposing on them. तो पिछले में क्या था, आपका क्लोजलीनेस, एक दूसरे से क्लोजनेस जो है वो शो होता था. इसमें क्या है, डिस्टेंस शो होता है, यानी आपका उससे फासला शो होता है. क्लोजनेस इज एन सिंबल ऑफ द फ्रेंडलीनेस एंड डिस्टेंस इज एन एग्जांपल ऑफ द रिस्पेक्ट. क्या आप डिस्टेंस जो है किस लिए, रिस्पेक्ट की वजह जो कर रहे हैं, ये डिस्टेंस का एक मतलब है. इसके अलावा और भी मतलब हो सकते हैं. इंटरेक्टिंग इधर बिकॉज वी आर नॉट देयर फ्रेंड्स, एक रीजन क्या है, हम उनके फ्रेंड नहीं है. और मोर कॉमनली बिकॉज वी विश टू शो देम रिस्पेक्ट बाई नॉट इम्पोजिंग ऑन देम, कि हम उनको रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं. दे इंक्लूड यूजिंग मोर इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड टर्म्स ऑफ एड्रेस, ट्राइंग टू मिनिमाइज द इम्पोजिशन, बींग इनडायरेक्ट, अपोलोजाइजिंग एंड ट्राइंग टू डीपर्सनलाइज द कन्वर्सेशन. उसमें कोई भी कन्वर्सेशन में जो भी बातें होंगी वो पर्सनल नहीं होंगी, उसके अंदर जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगी. उसमें अपोलोजाइजिंग होगी और ट्राइंग होगी कि जो आप उसको किसी चीज़ को उस पर इम्पोज ना करें. तो यहाँ तक आज हमने पढ़ना था. अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क. Excuse me, sir. How many chapters are included in the midterm?